हे गाइस, पिछले बार हमने इस एरन को एफ बगली को रिक किया था और अब इसकी बारी है और इसको रिक करने के बाद भी एनिमेशन करने के लिए रेडी करना है, वो बाद में देखेंगे। इन दोनों को एक साथ रेडी करेंगे तो पहले ये दिखाता हूँ कि इसकी रिक कैसे करेंगे। प्लीज डाउनलोड माय पिक्टोस वसक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखी रखी है। प्लीज उसे शेयर भी कीजिए और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिए। ये रिक्ड वाला है तो ये विदाउट रिक्ड वाला कैरेक्टर हम लेंगे तो अच्छा रहेगा, ताकि विथ रिक और विदाउट रिक कैसे एनिमेशन करते हैं वो दोनों एग्जांपल एक ही स्टोरी में आप लोगों को मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो ये हम विदाउट रिक वाला कैरेक्टर लेंगे, ठीक है। इस लेकिन ये कैरेक्टर कैसे बना है वो मैं अंदर आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो देखो, अंदर अगर मैं चला गया तो यहाँ पर एनिमेशन ऑलरेडी करके रखा है। ये एनिमेशन मैं निकाल देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छे एक काम कर लेते हैं, हम लोग इसे ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे देखो, ये अलग सा है, देखो ये अलग है, ये अलग है, ओके। उसके बाद मुंह भी अलग है, सब अलग अलग पार्ट बनाए। देन आँखों के अंदर भी क्या है, ये अलग अलग है, दिख रहा है। तो ये सब अलग अलग बना के रखे और सारे ग्राफिक्स ही होने चाहिए देखा जाए तो। लेकिन ये देखो, ये कैरेक्टर के सारे पार्ट्स वगैरह जो है वो ठीक ठाक बना के रखे। मतलब यहाँ पे इसका सेंटर भी ऐसे मैनेज कर लो ताकि ये देखो रोटेट करते समय कोई दिक्कत ना हो। देखो, वैसे इतनी डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल कैरेक्टर है। और हाँ, एक काम करना होगा हमें, ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का अंदर वाला जो पोर्शन है, सॉरी ये बॉडी वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हमें एक काम करना होगा। यहाँ पे हमें एक सेम इसकी कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और डेप्थ क्रिएट करनी होगी ताकि ये दिखाई दे, ठीक है। तो डेप्थ क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, एक तरफ से क्रिएट कर लेता हूँ। तो कौन सी तरफ, इस तरफ कर लेते हैं। मैंने लीचर लेयर को डिलीट कर दिया और इसी को मैं डार्क करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट करके डार्क कर देता हूँ, दिख रहा है। अभी इसको ऐसे राउंड कर देंगे, ठीक है। और ये तो मैनेज भी कर सकेंगे इस तरीके से। ये डेप्थ होनी चाहिए ताकि दिखाई दे अच्छी तरह से कैरेक्टर के ऊपर। ये भी ऐसे ऐसे मैनेज कर लेना। देखो, ये मैंने सेकंड टूल जो है इसके अंदर ही मिलता है, जो सब सिलेक्शन टूल है, उससे मैंने मैनेज किया। अभी अगर बाहर आते हैं, देखो कैरेक्टर के ऊपर वो डेप्थ आ रही है तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन ये जो हैंड्स है वो उनके साथ मैच नहीं करेगी, क्योंकि वो पीछे की तरफ जाना चाहिए सर तीनों। इसको मैंने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और इसे भी सिलेक्ट किया, इनको पीछे डाल देता हूँ मैं। तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन कर दिया, ठीक है। इनको भी पीछे कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अच्छा, और एक काम करना है हमें, इसके अंदर भी करना होगा तो अच्छा दिखाई देगा कैरेक्टर्स के। अगर दूसरे पार्ट्स भी अगर डेथ में आ जाए तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वही सिंपल करना है हमें, क्या करना है, इसकी कॉपी करनी है, नए लेयर के ऊपर पेस्ट कर देना है। और तो आप लोग ऐसे भी खुद से भी क्रिएट स्वेजेस क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि एक्चुअली होना चाहिए, आप खुद ट्राई करके देखिए होता है कि नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट हर बार आपको क्या करना होगा, जिस ऑब्जेक्ट के अंदर लेके जाना है उस ऑब्जेक्ट के अंदर ले लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो थोड़ी देर के लिए। और इसका कलर हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस तरीके से भी कर सकते हो। और ये मैंने ऐसे रख दिया। तो हर बार हमें इसे कट करके दूसरी नए लेयर पे पेस्ट करना होगा। कॉपी,
पेस्ट, मैंने इसको ही कॉपी पेस्ट कर दिया। और अभी क्या करना है देखो, इसको आईड्रॉपर टूल से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसकी सेम कॉपी मैंने बना के रखी है। दूसरा कुछ करना है जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोगों को, इसके अंदर जाके ये हमें एक्चुअली इस तरीके का बनाना होगा, ठीक है, ऐसे ही कर्व मेंटेन करना होगा। तो देखते हैं इसको पहले कैसे दिख रहा है। अगर ये ऐसे मूव करेंगे, अच्छा तो यहाँ पे रोटेशन है, रोटेशन यहाँ पे रखना होगा। ये सब कुछ देखना ही पड़ता है, देखा जाए तो अभी ठीक है। इसके अंदर भी सेम करना हमें। हाँ, उससे पहले हमें क्या करना है, इसको कट करके यहाँ पे नया लेयर पेस्ट, और इसकी भी कॉपी नया लेयर पे मैंने पेस्ट कर दिया सेम। लेकिन इसको आधा कट कर देंगे हम लोग। नीचे वाला लेयर हमें क्या करना है, लॉक कर देना है ताकि वो डिलीट ना हो जाए। तो इसको सिलेक्ट करके हम कलर जो है वो पिक कर लेंगे, फर्स्ट टूल से हम लोग इसे ऐसे कर्व कर लेंगे, ठीक है, ये बीच में रहने दो, कोई बात नहीं। सो और भी अच्छी तरह से ये कैरेक्टर बन रहा है। वैसे ही हमें क्या करना है, बाकियों में भी कर लेना है। तो ये मैं बाद में कर लूँगा, सबके अंदर मैं ऐसे डेप्थ डाल डाल के कैरेक्टर को अच्छी तरह से मैनेज कर लूँगा, वो लास्ट में कर लूँगा। अभी इसके अंदर अगर देखा जाए तो माउथ के अंदर देखो, सिर्फ यहाँ पे एक बेसिक सा माउथ है, तो ठीक है फ़िलहाल के लिए मैं यही रख देता हूँ। इसके माउथ के अंदर टीथ वगैरह नहीं डालेंगे ज़्यादा, नहीं तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा एनिमेशन करने के लिए। आइस के अंदर देख लेते हैं, आइस के अंदर ये सब कुछ अलग अलग है और अलग अलग लेयर के ऊपर भी है, तो इनको एनिमेशन करना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो लगभग जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स है वो अलग अलग होंगे तो अच्छा रहेगा। और सेंटर पॉइंट देख लेना, सेंटर पॉइंट कहाँ पे, तो एनिमेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये क्रैप का है जो भी मॉडल है वो, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह से भी मैनेज करेंगे, जैसे कि ये सब अलग अलग पार्ट्स हैं और इसको यहाँ पे रखना होगा। हमें देखना है आउटलाइन मोड से कि इसका सेंटर कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटर एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, अच्छा देख रहे हो, यहाँ पे सेंटर हो गया। वैसे ही ये मैं क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और इसके सेम कॉपी पेस्ट कर देते हैं, हमें दूसरी बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो मॉडिफाई ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, सो इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अगर ये चाहिए तो पीछे भी रख सकते हैं हम लोग, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके पीछे कर देता हूँ, ठीक है। और एक जो बचा है जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, इनके अंदर वाला साइज सब में सेम नहीं है, ठीक है, कॉपी पेस्ट। और इसका कलर हम फिल कर देते हैं डायरेक्टली, तो फिल दी जो कलर है एक्चुअली वो ये वाला नहीं था हमें, तो इसका कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर जाके बकेट टूल से फिल कर देता हूँ। वैसे ही सबके अंदर जाके मैं कर देता हूँ, एक्चुअली हमें एक ही पैर को करना है, वैसे बाकी पैर जो हैं
वो हम कॉपी पेस्ट ही करेंगे। तो दिखाता हूँ कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। ये मैंने फिल कर दिया यहाँ पे। सो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हमें कलर वापस से चूज करना होगा ये वाला। बकेट टूल से मैंने ये फिल कर दिया। अभी हमें क्या करना है, ये जो है वो हाफ लिए ऐसे कट करना है। तो इसको मैंने लॉक कर दिया और सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया और ये इस तरीके से होगा। और मैं इसके अंदर भी सेम ही होना चाहिए देखा है तो। मैं काम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से रख सकते हैं और ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसको डिलीट कर देंगे। सॉरी, ये नीचे वाला लॉक करना था तो ये यहाँ पे रख दिया। एक्स्ट्रा जो है वो डिलीट कर दिया, वापस यहाँ पे मैनेज कर लेते हैं ऐसे, या फिर इसको उठा के यहाँ पे रख देते। इसको हम नीचे डाल देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डाउन, या फिर लेयर देखो ऊपर नीचे ऐसे कर दो। ठीक है, यही ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर लो, अभी ठीक है। लेकिन ये देख लेना कि जब रोटेट करेंगे हम लोग इसे तब कोई प्रॉब्लम नहीं ना आ रही है। जैसे कि यहाँ पे मैं अभी अगर रोटेट करता हूँ तो देखो ये कट बिट हो रहा है। तो इसको पहले हम क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते अच्छी तरह से, मतलब आउटलाइन मोड पे रख देते हो पहले इसको, और जो सेंटर है वो यहाँ पे रख देता हूँ थोड़ा उस तरफ। स्नैपिंग टूल ऑन है इसलिए वो उस तरीके से हो रहा है। तो ये मैंने निकाल दिया स्नैप टूल। तो सेंटर है वो प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहा था स्नैपिंग से, तो ये यहाँ पे रख दिया। अभी देख लेते एक बार हम लोग, आउटलाइन मोड से पहले निकाल देता हूँ। अच्छा, अभी ठीक ही लग रहा है। अगर चाहिए तो और अच्छी तरह से मैनेज कर लो, कोई बात नहीं है। अभी इनको मैं डिलीट ही कर देता हूँ डायरेक्टली, ये डिलीट कर दिया और ये भी मैंने डिलीट कर दिया। इसकी हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया कॉपी पेस्ट, ये यहाँ पे रख दिया। अभी हमें क्या करना है कि जो नज़दीक है उसको हम थोड़ा छोटा कर देते इस तरीके से, और इसको हल्का सा छोटा कर देते। देन ये जो पिछले वाला है तो थोड़ा और ऐसे पीछे की तरफ, ये भी थोड़ा हल्का सा पीछे की तरफ, लेकिन इनको थोड़ा नज़दीक लेके आना होगा। और ये भी इस तरफ, ठीक है। सो इन दोनों को पकड़ के अल्टोल रख के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मॉडिफाई ट्रांसफॉर्म फ्लिप हॉरिजॉन्टल, सो ये यहाँ पे और कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अच्छा, तो अभी ठीक ही लग रहा है कैरेक्टर। और आगे देखते हैं कि कैरेक्टर का भी मैनेज कैसे करेंगे। सो मैं क्या करता हूँ देखो, यहाँ पे अभी क्या होगा अगर मैं इसकी कुछ ऐसे एनिमेशन करूँगा यहाँ पे देखो, तो उस सब में हो जाएगा, दिख रहा है। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं
डुप्लीकेट सिंबल कर देने से, इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट सिंबल, लेकिन उससे पहले हम F5 कर देंगे और बाद में हम डुप्लीकेट सिंबल कर देंगे। F5 मतलब होल्ड रखना होता है हर एक कैरेक्टर के अंदर, बाद में हम डुप्लीकेट कर देंगे। सो यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे चेंज करूँगा तो वहाँ पे भी चेंज हो रहा है, बराबर। सो सब पहले देख लेना अलग अलग लेयर पे है या नहीं। अच्छा तो ये हो गया, उसके बाद इन सब को एक साथ पकड़ के हमें कन्वर्ट टू सिंबल कर लेना है। इसको हम चाहे तो सॉरी ये चेंज हो गया है, इसको हम क्रैप नाम दे देंगे। देन अंदर जाएंगे कंट्रोल शिफ्ट डी, कंट्रोल शिफ्ट डी से क्या होगा, सब अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग लेयर पे चले जाएंगे और प्लस। तो ये होने के बाद हम चाहे तो आंखों को भी एक साथ कर सकते हैं या फिर एक साथ एनिमेशन कर सकते हैं आंखों को भी। वही कर लेते हैं क्योंकि दोनों का एनिमेशन लगभग सेम ही होता है। सो ये मैंने ये नहीं, आईब्रो जो है वो वैसे रहेंगे तो चलेगा। यहाँ पे अभी इसके अंदर अगर जाएंगे कुछ चेंजेस अगर करते तो दूसरे में भी होना चाहिए, ठीक है। एक साथ काम करती है आंखें हमारे नॉर्मली देखा जाए तो। सो इसके अंदर गए तो डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी इसके अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स है, देखो यहाँ पे सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स है। अभी होल्ड रखना है हमें, तो कैरेक्टर के अंदर होल्ड रखना होता है, ये ज़रूरी है, ये मैं पहले से ही बता रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना होल्ड रखना, इंसर्ट फ्रेम करके रख देता हूँ मैं सबसे अंदर। और ये लगभग एक जो कैरेक्टर होता है सबका 1000 तक तो करना ही करना है आपको, होल्ड रखना है सब जगह पे, ठीक है। अभी यहाँ पे आते इसके अंदर तो अपने आप हो गया देखो। देन इनके अंदर अगर करना है तो कर सकते लेकिन इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। सो ये कैरेक्टर इसके अंदर ये कर देना यहाँ पे, क्योंकि इंसर्ट फ्रेम कर देता हूँ मैं, यहाँ पे भी इंसर्ट फ्रेम कर देता हूँ मैं, कभी कभार यूज होता है। देन माउथ के अंदर भी यहाँ पे ऑब्वियसली माउथ का एनिमेशन भी अलग अलग होगा सबका, सो इंसर्ट फ्रेम कर देते हम और एक बार इंसर्ट फ्रेम कर देते हम। आइस के अंदर भी कर देंगे, सो यहाँ पे मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। ये नीचे वाला ये सेम होना चाहिए देखा है तो, एक ही लेयर पे ये मैंने कट किया और यहाँ पे मैंने वो पेस्ट कर दिया। ये एक ऑब्जेक्ट है लेकिन कौन सा ग्राफिक है इसकी ज़रूरत नहीं है, ये एक साथ ठीक है। ये भी ब्रेक कर दिया, ज़रूरत नहीं तो ब्रेक कर दो। अच्छा अंदर मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, इसकी ज़रूरत नहीं थी वो मैंने ब्रेक कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इंसर्ट फ्रेम, ये सब के अंदर करना है, जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि कैरेक्टर का एनिमेशन होगा वहाँ वहाँ पे आप लोगों को इंसर्ट फ्रेम करनी है, ठीक है। अभी भारत है, अभी इसके अंदर भी इंसर्ट फ्रेम कर देते हैं यहाँ पे इंसर्ट फ्रेम,
वापस इंसर्ट फ्रेम, ये थोड़ा बोरिंग वाला काम है, लेकिन एक बार करके रख दिया तो वापस करने की ज़रूरत नहीं है। आइस के अंदर भी हो गया, मुझे लग रहा है सब के अंदर हो गया, लगभग सब हो गए। उसके बाद हमें यहाँ पे भी करना है, कैरेक्टर के अंदर भी करना है ऑब्वियसली, सो ये भी मैं 1000 के ऊपर करूँगा। जो भी हमारा मतलब लगभग सीन होगा वो हम वैसे रखेंगे कि एक 1000 के आसपास ही एनिमेशन करें हम लोग उसका, ठीक है, और सीन चेंज कर देंगे बाद में बार बार हम। ये क्रैप के अंदर हो गया, क्रैप के अंदर मैंने क्या क्या बताया, देखो होल्ड रखना है, देन सेंटर चेक कर लेना। हाँ, अब भी क्या करना है, ये देखो ये और ये अगर अलग अलग दिखाने हैं तो आप लोग क्या कर सकते हो, इसको चाहिए तो डुप्लीकेट सिंबल कर सकते हो, ठीक है, ये उसमें भी चेंज हुआ था, इसमें भी चेंज होगा दोनों में, तो ये चाहिए तो डुप्लीकेट सिंबल कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता नहीं कि ज़रूरत है, ये सब कॉपीड ही रहने दो, बाद में देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। उसके बाद ये जो है ना, इसके अंदर भी हेड के अंदर यहाँ पे इसको भी करना है, कंट्रोल शिफ्ट डी, और आईज का अलग और हेड का अलग, तो इसके अंदर भी यहाँ पे भी है देखो, तो इन इसे भी हमें क्या करना है, राइट क्लिक करके इंसर्ट फ्रेम कर देना है, तो इंसर्ट फ्रेम यहाँ पे भी इंसर्ट फ्रेम। उसके बाद बाहर आता हूँ, हेड में भी हम चाहे तो इंसर्ट फ्रेम कर देंगे, इंसर्ट फ्रेम सॉरी, तो ये रिक किया तो उसके अंदर भी करना होगा, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन तो दिखा नहीं है ना, तो कैरेक्टर के अंदर तो हमें दिखा नहीं होगा, हेड के अंदर यहाँ पे इंसर्ट फ्रेम करना रह गया था मेरा, सो ये राइट क्लिक करके इंसर्ट फ्रेम, बाद में इसे तो करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर जहाँ जहाँ पे आपका एनिमेशन करना है, हाँ जैसे कि यहाँ पे अगर पकड़ लो कि मुझे पंखों को थोड़ा मूव करना है, तो देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ऐसे कर दिया, तो जो ये उसका वन साइड है वो बहुत छोटा लग रहा है उसके कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे तो ठीक ही लग रहा है, ओके, क्योंकि रखते समय छोटा ही होता है लेकिन फैलाते समय बड़ा होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी हम अंदर जाके इंसर्ट फ्रेम कर देंगे, तो इसको हम इंसर्ट फ्रेम कर देते हैं, इंसर्ट फ्रेम, ठीक है, इसका जो सेंटर है वो यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते, इसके अंदर भी हमें क्या करना, इंसर्ट फ्रेम करना है, और हाँ इसको हमें ग्राफिक कन्वर्ट कर देना है, ग्राफिक में कन्वर्ट टू सिंबल, ग्राफिक इसका सेंटर यहाँ पे होगा, देन इंसर्ट फ्रेम। लगभग 1000 तक ही इसका भी मैं सेम कर देता हूँ, तो इसे मैं इस तरीके से कर दूंगा, और कुछ अगर बचा है तो मैं बाद में देख लूंगा इसे, ठीक है। ये दोनों कैरेक्टर लगभग हो गए रेडी हैं, अभी जो भी हमारा सीन है आगे का हम पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या सीन है। देखो यहाँ पे मैंने बना के रखा है स्टोरी को पहले से ही, अगर आप फॉलो कर रहे हो तो पता होगा। तो सेकंड सीन में क्या है, ये हेरन ऐसे ऊपर से नीचे देखता है और नीचे आ जाता है, सो ये यहाँ पे इतने अच्छे तरह से शो नहीं किया है, हम लोग और भी अच्छी तरह से शो कर सकते, जैसे कि हमने जो अभी बनाया है वो यहाँ पे ग्रेडी हेरन करके स्टोरी करके एक फोल्डर बनाया मैंने यहाँ पे, और देखो ये पार्ट वन है, तो देखने के लिए भी अच्छा है, और यहाँ पे हम चाहे तो क्रैप को
लेफ्ट से राइट की तरफ दिखा सकते हैं और यहाँ पे हिरन उड़ा उड़ती हुई दिखा सकते हैं। उसके बाद हम वो सेकेंड सीन करेंगे। तो यहाँ पे हमें चेंजेस करने, तो फर्स्ट पार्ट बाकी है, तो हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कैसे यहाँ पे दोनों कैरेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ डाउट है तो कमेंट पूछ लेना। अभी के लिए इतना ही, बाय।